अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, करके मन का डार दे, मन का फेर। अरे आप सब इधर ही, अरे चप्पा चप्पा ध्यान देना है, है ना? और जो कैमरा का जो ऐसे है ना, वो इधर भी दिखना चाहिए और वो एक तिहाई भाग की तरफ भी दिखना चाहिए, ठीक है? जाइए जाइए। अरे अभी तो पढ़ रहे थे हम, किधर चला गया वो पन्ना? माला फेरत चुका। अरे पन्ना भी मिल गया। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर। राजीव बाबू हम अभ्यास कर रहे हैं, साथ साथ में सबको गार्ड लोग को ना समझा भी रहे, देख ही रहे ना घर का हालत क्या है। अगर पहले से ही कैमरा में लग जाता तो हंसी दीदी को हिम्मत होता ऐसा इल्जाम लगाने का, नहीं ना? हम साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, करके मन का डार दे, मन का फेर। माने हाथ से माला मत जपो, मन का माला जपो, मन शुद्ध करो, है ना? हम बुझ गए। भूमि दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ना तुझे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो बहुत दिनों से मन में एक बात इधर से हमको खाई जा रही है। हाँ बोलो ना। तू वादा कर, तू ये बात किसी को नहीं बोलेगी। नहीं बोलूंगी। इधर आओ, बताओ क्या हुआ। वो बड़े पापा और खुशबू मासी ने शादी कर ली। अवतीश दादा है ना, वो खुशबू मासी और बड़े पापा के अच्छा औलाद है। ओह माय गॉड, ये सब लोग भी ना बकवास है। पर भूमि दीदी आप ये बात किसी को मत बताना, अपने तक ही रखना। जिसका मसला है वो खुद संभाल लेगी। आप शांत हो जाओ, जो भी बोलो। इस घर में कुछ लोग बहुत ही पाखंडी हैं। अब मिलेगा न्याय मेरी बेटी को। आपकी कृपा से केस की तारीख मिल गई है। जय बाबा भोलेनाथ। ये औरत तो कुंडली मार के बैठ गई है चंदेल भवन में। मानो इसको इसकी औकात दिखानी होगी हमें। पर कैसे दादा? हम करेंगे अपने तरीके से। हम दिखाएंगे उसको उसकी औकात अपने तरीके से। ये हंसनी जिसकी शह पर नाच रही है, जिसका हाथ इसके सर पर है, पहले उसकी टांगे काटनी होगी। इसके पर खुद ब खुद कट जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल आ गया थी दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल आ गया अति दूर। अर्थात ऊंचा होने का कलब, ना जब फल ना छाव,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। चाची जी, चाची जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और हमारी चुटकी? वो भी ठीक है। कैसे याद किया आप हमको? पता नहीं, आज बहुत बेचैनी सी हो रही है। कौन बात का बेचैनी? वो हमने केस तो फिर से फाइल कर दिया है, लेकिन न जाने क्यों डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। बेटा, देवनारायण बाबू हमारे पक्ष में तो केस लड़ेंगे ना। आप एकदम चिंता मत कीजिए चाची जी, न्याय आपको मिलेगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही हो तारामती को, जबकि घर में तो कुछ और ही तैयारियां चल रही है। बोलिए। आ रहे हैं ना हमको बचाने? काहे के लिए इतना पेशेंस हो रहे हैं आप? पहुंच रहे हैं। हम धन्य हुए। और कितनी गलत फहमियां पालोगी? तारामती का केस देवनारायण चंदेल इंसाफ दिलवाएंगे, यकीन कर सकती हूँ? आसमां के देख लो, निराशा ही हासिल होगी। बड़का बाबू का बात छोड़िए, पहले आप अपना बात कीजिए। वो फोटो वाला नाटक करके आपको क्या फायदा हुआ? आपको समझ में भी आ रहा है कि हमको कितना हानि पहुंचा है? पूरा परिवार के सामने हमारा सर शर्म से गड़ गया। और एक बात और, हमको हमारे राजीव बाबू पे पूरा भरोसा है, और हम जानते हैं कि हमारे राजीव बाबू ना तारामती चाची जी के पक्ष में ना जरूर बात करेंगे। और हम संकल्प लिए हैं ना, हम अभ्यास करेंगे। ये कुहू अभ्यास करेगी, पढ़ेगी, वो भी अपने मन से। में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। हमको राजन वर्मा को घेरना होगा बाबा, और उसका एक उपाय है। क्या? चाचा तारामती केस की तारीख लग गई, राजन वर्मा से डील करते हैं, केस में बरी और हंसिनी से उसकी दूरी। मुंह बंद करो। हाँ, राजीव। अर्थात जब मन शीतल होता है ना, तो कोई भी बैरी नहीं होता, और अहंकार छोड़ दे तो सब हित में होते। बेवकूफ हो तो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। राजीव बाबू, बेशरम इंसान है रे तू, पति पत्नी के निजी कक्ष में भी चला है। अरे देख क्या रहा है, चल निकल यहां से। पति पत्नी, लक्षण देख के तो लगता नहीं। हाँ, कुहू में वो लक्षण है, पर तुम में अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।